चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और आप बोल सकते हो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो बच्चा, इसमें हम 15 नंबर का सम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 15 नंबर के सम में ध्यान से देखोगे तो क्या इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 42। तो बच्चे को ये तो समझ में आना ही चाहिए कि यहाँ पे ध्यान से जो देखना है, जो मिडिल टर्म है हमारा वो माइनस में, तो हमें आंसर जो लाना होगा वो प्लस या माइनस का कॉम्बिनेशन यूज करना है, या माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। माइनस माइनस का ही करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट जो टर्म है वो प्लस में, तो वो एक बार यूज करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, हम हर बार क्या लिखते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते थे, तो वही यहाँ यूज करना है। यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले, यहाँ पे एक्स मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चा बोलेगा कि सर ए एक्स स्क्वायर, मतलब आपको वो ध्यान में रखना है कि कॉन्स्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वो हमें मल्टीप्लीकेशन में लेना है, जिसका प्लस और माइनस करके आपको मिडल टर्म लाना है। तो हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 1 और यहाँ पे है 42। तो आप बोलोगे सर 42 के ऐसे पार्ट करो कि जिसकी वजह से कितने आए, तो आप बोलोगे 23। तो बच्चा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एलसीएम मेथड से, हर बार हम करते ही है, 2 से करोगे तो बच्चा 2 and 1 हो जाएगा। हर बार की तरह हम इसके जो फैक्टर है वो देखेंगे कि हमारे काम के है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर पहला फैक्टर है 2 into 21, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 42, और ये दोनों माइनस मतलब 2 minus 21 करते हैं बच्चा, तो हमारा आंसर 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मिडल टर्म जो है वो 23 आ जाएगा। तो जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है बच्चा, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 21x minus 2x। अब आगे पीछे ऑर्डर कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही, डिफरेंस कोई नहीं आएगा, वही सेम टू सेम आंसर आएगा। बस आपको जो वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी बोल दूं, कई बच्चे बाद में पूछेंगे कि सर आगे पीछे हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो है वो दो टर्म आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो बच्चा आप बोलोगे सर ये दोनों में से कॉमन निकाल लें, ये दोनों में से कॉमन निकालोगे तो क्या होगा बच्चा, यहाँ से निकलेगा एक्स, यहाँ से एक्स माइनस 21। आप बोलोगे सर यहाँ से एक्स निकाला, एक्स स्क्वायर था तो बच्चा कितना एक्स, और कॉमन निकाल दिया हमने एक्स, एक्स माइनस 21। सेम वे बच्चा यहाँ पे आप बोलोगे 21 into 2, तो आप बोलोगे सर इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ पे हर बार हम लिख रहे हैं इसलिए 2 and 2 कॉमन निकल जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जैसे आप 2 लिखोगे तो आगे माइनस की साइन लिखोगे, तो अंदर जो होगा ब्रैकेट के अंदर वो साइन चेंज हो जाएगी। याद आया, सर ने ये पॉइंट बोला था कि अंदर जो होगा वो माइनस की साइन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे होगा 21। क्लियर, 21 कैसे, तो ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमने फैक्टर जो निकाले थे उसमें से 2 कॉमन निकाला था। इसके साथ बच्चा हम बोल सकते हैं हमारा पहला स्टेप खत्म, दूसरा स्टेप खत्म। दूसरे स्टेप में हर बार हम एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, ये ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, और हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। सपोज नहीं आते तो आपको वो समझना है कि यहाँ कुछ माइनर मिस्टेक हो सकती है। क्लियर है बच्चा, जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो दूसरे स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 21, जो ये दोनों ब्रैकेट है वो उसको कॉमन करके x माइनस 21, और दूसरा यहाँ से x और यहाँ से 2, माइनस 2 वर्ड यूज करेंगे, और ये हमारा मिडल टर्म आ जाएगा। देखने में और समझने में ये पॉइंट बहुत ईजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। दूसरा बच्चा, सीक्वेंसिंग ऑर्डर फॉलो करना तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, और इसकी आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मतलब आपको वहां से क्लिक करोगे, पूरे अभी तक के जितने सम है, आगे के जो सम है, यहाँ से मिल जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।